हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इंतजार था जेआईबी सीआईबी का एग्जाम कब होगा। बिल्कुल इंतजार होना भी चाहिए, क्योंकि जो आम तौर पर जो मई और जून में एग्जाम हो जाता था वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। आपको ये जानकारी होगी कि जो सर्टिफिकेट एग्जाम्स हैं, जैसे आपका केवाईसी वाला है और एमएसएमई वाला, इस तरह के सर्टिफिकेट एग्जाम्स का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि जून में शेड्यूल्ड है। इसका मतलब ये क्लियर कट जो है इंडिकेशन है कि आईबीएफ के अदर एग्जाम अब ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को स्टडी अब शुरू कर देनी चाहिए, बिना इस इंतजार के कि क्या पता क्या होगा। और आईबीएफ भी नहीं चाहेगा कि इनका ये सेशन नवंबर दिसंबर तक जाए, तो जरूर जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम करा देगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, इसका अपडेशन अगर देखना हो तो हमारी वेबसाइट पे लगातार आपको मिलता रहेगा। जैसे ही डेट्स होंगी आपको हमारी वेबसाइट में इसकी डेट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ले रखा है। उनकी अब बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर हमारे डेट एक्सटेंड, हमने क्या है पूरे कोर्स की डेट 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी है विदाउट एनी एडिशनल चार्जेज। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोर्स इस मई और जून के लिए लिया था, चाहे वो जेआईबी है या सीआईबी। जिन लोगों ने दिसंबर में या उससे पहले जो कोर्स लिया था उसका एक्सटेंशन बहुत ही नॉमिनल चार्जेज में हम कर रहे हैं। जो अभी भी किसी तरह के कंफ्यूजन में है, बिना देरी करे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए और अपनी जो भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। जिन लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया था वो YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हमें रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे प्लेलिस्ट की, इसकी वजह से हम उनको प्लेलिस्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने YouTube चैनल मेंबरशिप सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग प्लेलिस्ट के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर ले, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज दे, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।